हाय, दिस इज मी एसन। आज हम इलस्ट्रेटर में सीखेंगे कि हम ऑब्जेक्ट्स को रोटेट कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फाइल मेन्यू ओपन। एक फाइल अपने पास ओपन कर रहा हूँ। इस फाइल में मेरे पास में दो सर्कल्स और दो लाइंस मौजूद हैं। मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो इसके अराउंड में मुझे बाउंडिंग बॉक्स नजर आता है। जो फ्रेम हम देख रहे हैं इसको हम बाउंडिंग बॉक्स कहते हैं। अगर मैं कॉर्नर पे अपना माउस पॉइंटर प्लेस करता हूँ तो मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रोटेशन पिन है वो उसके सेंटर में मार्क्ड होती है, उसके सेंटर में पिन जो है वो लोकेटेड होती है। अनडू कंट्रोल जी। मैं इस वक्त में टारगेट करना चाहता हूँ कि ये लाइन इस सेंटर में मौजूद सर्कल के एतबार से कंट्रोल हो। आई हैव टू गेट द रोटेट टूल। अगर आप किसी भी टूल में इलस्ट्रेटर में डबल क्लिक करते हैं तो आपके पास में टूल ऑप्शंस एक्टिव हो जाते हैं। डेफिनेटली अगर आपके पास में स्पेसिफिक कोई एंगल मौजूद है आप टाइप कर सकते हैं, ओके करने पे उस एंगल को फॉलो करेगा, कॉपी करने पे उसकी कॉपी बना दी जाएगी। मेरे केस में इस वक्त में पिन प्लेसमेंट जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट नज़र आ रही है। रोटेट टूल मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे ही टूल सेलेक्ट होगा आपको प्लस पॉइंटर स्क्रीन पे नज़र आएगा। आप स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो वो आपकी रोटेशन पिन की लोकेशन आइडेंटिफाई कर देगा। क्लिक एंड ड्रैग। अब मैंने सर्कल के सेंटर में क्लिक किया है और क्लिक एंड ड्रैग करने पर मैं इस लाइन को एग्जिस्टिंग सर्कल के सेंटर से कंट्रोल कर सकता हूँ। शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो हम डिफरेंट एंगल्स को टारगेट कर सकते हैं। अगेन सेलेक्ट टूल मेरे पास है, क्लिक, बाउंडिंग बॉक्स नजर आ रहा है। आप इसको ऑफ करना चाहें ऑफ भी कर सकते हैं। व्यू मेन्यू, हाइट बाउंडिंग बॉक्स, गेट द रोटेट टूल, क्लिक टू आइडेंटिफाई द पिन एंड ड्रैग द लाइन। मेरे पास में रोटेशन जो है वो मौजूद। थैंक यू।